दोस्तों स्वागत है आपका जीएस न्यूज की अफसर बन जाओगे की सीरीज में। तो शुरू करते हैं हमारा सामान्य ज्ञान का डेली डोज डे 9 हार्ड लेवल। रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 8 सेकंड्स का वक्त दिया जाएगा और हर प्रश्न 5 मार्क्स का होगा। सबसे पहले दोस्तों मुबारक हो आपको इजी लेवल पार करके हार्ड लेवल पर आने के लिए। देखते हैं आप इस हार्ड लेवल के कितने सही जवाब देकर डे 10 की ओर बढ़ पाते हैं। और अगर आपके कुछ जवाब गलत हो जाए तो निराश ना हो, आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। पहला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? What was India's first atomic reactor? आपके ऑप्शंस हैं ए अप्सरा, बी ध्रुवा, सी कामिनी या डी जर्लीना। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए अप्सरा। दूसरा प्रश्न, किस बीमा विक्रेता ने 1884 में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था? Which insurance salesman invented the fountain pen in 1884? आपके ऑप्शंस हैं ए सर विलियम ग्रोव, बी चार्ल्स कैटरिंग, सी जॉर्ज फाउंटेन या डी लुइस एडसन वाटरमैन। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी लुइस एडसन वाटरमैन। तीसरा प्रश्न, कौन सा वेद चिकित्सा से संबंधित है? Which Veda deals with medicine? आपके ऑप्शंस हैं ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी यजुर्वेद। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए अथर्ववेद। चौथा प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? Which is the highest jute producing state in India? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, बी गुजरात, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पांचवा प्रश्न, किस वर्ष में आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमानों को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था? इन विच ईयर टेररिस्ट क्रैश्ड 2 प्लेन्स इनटू न्यूयॉर्क्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आपके ऑप्शंस हैं ए 2001, बी 2002, सी 2003 या डी 2004। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए 2001। छठा प्रश्न, पहली लिफ्ट कब बनाई गई थी? When was the first elevator built? आपके ऑप्शंस हैं ए 1739, बी 1743, सी 1745 या डी 1760। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी 1743। सातवां प्रश्न, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? Who translated महाभारता into Persian? आपके ऑप्शंस हैं ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी अकबर। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी अकबर। आठवां प्रश्न, कागज के निर्माण में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? विच इज द लीडिंग स्टेट इन प्रोड्यूसिंग पेपर? आपके ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल या डी केरल। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नौवां प्रश्न, भारत की पहली महासागर लहर ऊर्जा परियोजना कब शुरू की गई थी? When was India's
फर्स्ट ओशियन वेव्स एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। आपके ऑप्शंस हैं ए 1991, बी 1981, सी 1995 या डी 1999। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए 1991। दसवां प्रश्न, एनरिको फर्मी ने क्या आविष्कार किया था? व्हाट एनरिको फर्मी इन्वेंटेड। आपके ऑप्शंस हैं ए परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, बी बेटाट्रॉन, सी साइक्लोट्रॉन या डी एक्सरे मशीन। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों ये था डे 9 का हार्ड लेवल। मिलते हैं आपसे कल यानी डे 10 के इजी और हार्ड लेवल्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आपने सारे जवाब सही दिए हों। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर दें और बताना ना भूलें कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल GS न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो समय पे मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।